मैं इरशाद रसूल फ्रेस्को आर्टिस्ट मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। मैं इस टाइम मस्जिद वज़ीरपा में हूँ, जो आगा डिपार्टमेंट में मैं जॉब करता हूँ एज द फ्रेस्को आर्टिस्ट। मस्जिद वज़ीरपा में तकरीबन मेरे हिसाब से 7 से 8 यहाँ पे ऐसे काम है कि जो बताते हैं कि एशिया में ऐसी मस्जिद कहीं पर नहीं है जितना यहाँ पे बारीकी और ज़्यादा काम यहाँ पर पाया जाता है। एशिया में ये वज़ीरपा पहले नंबर पे आती है जिसमें इतनी बारीकी का काम सबसे ज़्यादा है। 7 किस्म का फ्रेस्को, फ्रेस्को वर्क, ग्रे स्टाइल वर्क, फिरगरी, मकर्नस, ताज़ाकारी, और ये टाइल वर्क नीचे, ये आप सोलिंग का काम है यहाँ पे, सीको वर्क, फ्रेस्को वर्क जैसे मैंने पहले बताया आपको, और इसी तरह के और भी काम है 1-2। सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ्रेस्को, फ्रेस्को के बाद ग्रे स्टाइल वर्क। फ्रेस्को का ये डिफरेंट आ रहा है इसमें कि हम इसको पेंटिंग में करते हैं कलर्स में, इसकी पहले बेस बनाते हैं, हम इसकी बेस बनाते हैं उसके ऊपर फिर हम ये कलर लगाते हैं। और जो ग्रे स्टाइल का वर्क है वो टाइल होती है, उसकी कटिंग करके उसको बाद में फिक्स किया जाता है। इन दोनों में ये डिफरेंट है, वो काफ़ी डिफरेंट है। इनका ताल्लुक था ज़्यादातर तुर्क से आए थे ये लोग, क्योंकि तब पाकिस्तान में ये आर्ट नहीं था, तो तुर्क में बहुत पुराना है ये आर्ट वर्क, तो मुग़लों ने वहाँ से बुलवाए थे। जब वहाँ से यहाँ आए हिजरत करके या वैसे बुलवाया था इन्होंने काम के लिए, तो फिर यहाँ के जो पाकिस्तान के जो लोग थे उनका दिल किया कि यार हम भी ये सीखें ताकि ये बाद में हमारे काम आए, ताकि पाकिस्तान में ये स्टार्ट हो जाए, कंटिन्यू हो जाए कि चलता रहे। तो इस वजह से उनको वहाँ से बुलवाया गया था, और वहाँ से जो उस्ताद आए थे उनसे ये हमारे उस्तादों ने सीखा था काम। इसके पीछे एक तो आप इसकी चुनाई देखें, तकरीबन 4 फीट 5 फीट इनकी दीवार की। इससे ये होता है, एक तो इस बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो, मुग़लों का ये था कि हमारी जो बिल्डिंग है ना, जब तक मकसद उनका एक प्लान था कि कयामत भी आ जाए ना तब तक ये बिल्डिंग्स खड़ी रहें। एक तो इनका ये था जेन कि ये चीज़ खड़ी रहे, और दूसरा आप इनके लोअर फोर्ट में जाकर देखें जहाँ पर ये रिहायशगाह थे, उनको कूलिंग मिलती थी वहाँ पर, हीटअप नहीं अंदर जाती थी, गर्मी नहीं लगती थी, कूलिंग रहती थी, क्योंकि तब बिजली का निज़ाम तो था नहीं। तब ये था कि उनको ये चीज़ भी उनको काफ़ी फोकस रखनी पड़ी कि यहाँ पे अब तो बिजली तो है नहीं, हमें यहाँ से हवा कैसे आएगी, ये कूलिंग कैसे रहेगी, तो इस वजह से इन्होंने रखा। दूसरा, फ्रेस्को का जो काम है इससे बिल्डिंग की खूबसूरती आती है, जैसे कि बिल्कुल प्लेन वाइट दीवार समझ लें, अजीब सी लग रही होती है, उसके ऊपर आप अगर ये काम करते हैं फ्रेस्को वर्क का या ग्रे स्टाइल वर्क का, उसके एक हुसन आ जाता है, उसका एक हुसन बहाल हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं अक्सर, हमारे उस्ताद भी कहते हैं यार जैसे हम दुल्हन को तैयार करते हैं ना ये ब्यूटी पार्लर, ऐसे निखर जाती है ये बिल्डिंग। तो मुग़लों का ये प्लान था कि हम देखें या कोई भी देखे बिल्डिंग, उनको ऐसे लगे कि सुभान अल्लाह, उनके मुंह से ऐसे निकले कि सुभान अल्लाह। तो ये उनके पास एक वाहिद हुनर था और फन था हुसन देने का, कि यार इससे हमारी बिल्डिंग खूबसूरत लगी। ख़ास तो उस टाइम तो ये ख़ास थी, क्योंकि ये कलर मिलते नहीं थे, इनको खुद बैठकर उस्ताद लोग ग्राइंड करते थे हाथ के साथ, स्टोन मिलता था उसको फिर ग्राइंड करते थे ये बैठ के, ग्राइंड करने के बाद ये यूज़ करते थे। और इनकी लाइफ बड़ी है, इनकी लाइफ इसलिए है कि ये एक तो ये वाटर कलर है, दूसरी जो बेस हम लगाते हैं ना वो ड्राई होने से पहले हम इसको कलर को उसके ऊपर लगाते हैं, ड्राई होने के बाद फिर हम कलर नहीं लगा सकते क्योंकि कलर फिर उतरना शुरू हो जाते हैं। जब तक ये ड्राई नहीं होता हम इसको लगाते हैं, फिर उसके बाद इसकी फिनिशिंग करते हैं, इसकी घुटाई करते हैं ताकि ये कलर इन हो जाए, उतरे नहीं, तो इसीलिए इनकी लाइफ है इतनी। जहाँ तक मेरे सुनने में आया, तकरीबन जब हमारे मुल्तान के उस्ताद यहाँ पर आए थे इस मस्जिद में काम करने के लिए, और लाहौर के भी थे उसमें, लाहौर के थे जिनका मुझे नाम आता है, उस्ताद सैफुर रहमान साहब थे और उस्ताद रफाका साहब थे, तब वो बताते हैं हमारे से पहले हमें नहीं याद कि कब हुआ था, अब इनको किए हुए तकरीबन 55 ईयर्स हो गए। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा आर्कियोलॉजी वाले, आसारे कदीमा वाले थोड़ा थोड़ा सा करवाते रहे, लेकिन अब जो काम करवा रहे हैं ना, ये आगा खान और वॉल सिटी,
इनके पास पूरा प्रोजेक्ट है और इस काम को पूरा जहां से ये डैमेज हो चुका है उसको पूरा और टोटली इसको कंप्लीट करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके यहाँ तो है नहीं। जैसे वो देखते हैं ये काम देखते हैं तो कहते हैं कि यार ये अमेजिंग काम है, कि पता नहीं ये कहाँ से उनके माइंड में आया क्योंकि ये चीज़ें वहाँ तो है नहीं। जब इसकी बारीकी में जाते हैं ना तो फिर और भी वो इम्प्रेस होते हैं और हैरान होते हैं कि यार क्या था ये उस्ताद कहाँ से आए थे, क्या इन्होंने क्या काम किया, मुग़लों ने क्या काम करवाया। एक्चुअली उनका पूरा जो फोकस है ना सबसे पहले मुग़लों पे जाता है कि उनको ये कहाँ से इनके माइंड में कहाँ से आया कि ये ऐसा काम करवाएं। मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर ऐसे काम हैं जो कई बार भी किसी मस्जिद में नहीं है, ये इस तरह के यहाँ पर 7 से 8 काम हैं यहाँ पर और किसी मस्जिद में नहीं है, हैं थोड़े हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है। मस्जिद वज़ीर का में मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि यहाँ पे मुझे और काम सीखने का मौका मिला। कहीं पर हम जाते हैं ना, कहीं पर हम जाते हैं तो हमें सिर्फ हमारा काम की तरफ फोकस होता है कि यार ये हमने करना, ये हमारा काम। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया 7 से 8 काम है तो मुझे मज़ीद काम सीखने का यहाँ पर मौका मिला, मेरा तो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा मस्जिद के बारे में। एक तो यहाँ पर सुकून बड़ा है, जैसे जो एक इंसान को रूहानी सुकून मिलता है वो चीज़ है कि बहुत कम ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पर हम लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ते हैं सुकून नहीं मिलता। यहाँ पर वैसे भी आप रहें ना तो आपको एक सुकून, एक अजीब सी फीलिंग होगी कि यार रूहानी जिसको कहते हैं, क्यों यहाँ पर जो यहाँ पे आयतें करीमा लिखी हुई हैं आउट क्लास ज़बरदस्त, और उनका कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा है, नॉलेज है उनमें, तो वो भी लोग देख कर जिनको फारसी में पढ़ना आता है वो पढ़ते हैं और उसको बड़ा इम्प्रेस होते हैं पढ़ के कि तब उन्होंने ये क्या जेन में रखी ये आयतें करीमा भी लिखवाई यहाँ पर, और वो भी ज़बरदस्त बात।